हेलो फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बाबू इलेक्ट्रिक टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा जो छत का पंखा होता है उसका जो कैपेसिटर होता है उसका कनेक्शन कैसे करें, छत का पंखे का कनेक्शन कंडेंसर जो कैपेसिटर होता है उसके साथ कैसे करें। दोस्तों, जो सीलिंग फ़ैन होता है उसका कनेक्शन आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो जो भी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा सीलिंग फैन रखा हुआ है, कुछ प्रकार से खुला भी है। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा नीचे से कुछ प्रकार से खुला हुआ है। दोस्तों, तो इसकी जो मैं वायरिंग है वो आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, उस फटाफट जो वीडियो है उसको ज़रूर शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले कनेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो आप भी दोस्तों वीडियो को देखना जो पूरी देखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपको दिख रहा होगा दो जो वायर है आपको दिख रहा होगा, ये है कैपेसिटर के। तो दोस्तों, जो कैपेसिटर है वो लगा हुआ है इसमें 3.25 का। दोस्तों, जो सीलिंग फैन छत का पंखा होता है उसमें 3.25 का या 2.5 का 2.50 mfd का कंडेंसर लगता है। दोस्तों, आप 4 का भी लगा सकते हो, 4 से ऊपर का आप लगा नहीं सकते दोस्तों। और आपको दिख रहा होगा 3 वायर है, वो एक पीला वायर, एक जो लाल वायर और एक नीला वायर, कुछ इसमें 3 वायर है दोस्तों। तो सीलिंग फैन में 3 भी होते हैं दोस्तों, 4 वायर भी हो सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों, 3 जो वायर हैं उनका कनेक्शन कैपेसिटर के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी देखना ना भूलें। तो दोस्तों, और 2 वायर जो लाइट के हैं वो कनेक्शन, इनका कनेक्शन हमको करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले कनेक्शन इसमें जो 3 वायर हैं इनमें से एक कॉमन वायर मानना पड़ेगा दोस्तों। तो कॉमन वायर आप किसी को भी, जो कौन सा भी रंग का वायर है, कलर का वायर है, उनको आप मान सकते हो, या चाहे आप पीले वायर को जो कॉमन वायर है उसको मान सकते हो, या लाल वायर को मान सकते हो, या आप नीले वायर को मान सकते हो। तो दोस्तों, जो आप अब जैसे दोस्तों आपने पीला वायर मान लिया कॉमन वायर, किसी ने दोस्तों जो लाल वायर मान लिया कॉमन वायर, और दोस्तों किसी ने नीला वायर कॉमन मान लिया। तो दोस्तों, कन्फ्यूजन ज़्यादातर दोस्तों के साथ यही रहता है कि कौन सा कॉमन वायर माने। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, कोई सा भी आप कॉमन वायर मान सकते हो, लेकिन दोस्तों कॉमन वायर का कनेक्शन किस में, इसमें जो टर्मिनल है दोस्तों किसमें करना होगा, तो ये जो मैं महत्वपूर्ण बात है यही है दोस्तों। इसमें कॉमन वायर किसी को मान सकते हो, लेकिन कनेक्शन है दोस्तों कौन से टर्मिनल में आपको करना है, तो वो मेन बात है इसमें दोस्तों। कोई से भी कॉमन वायर मान सकते हो। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, जैसे आप पीला वायर कॉमन मान रहे हो, तो दोस्तों जैसे मैंने लाल वायर कॉमन मान लिया, मैंने जो लाल वायर है वो कॉमन मान लिया दोस्तों। तो आपको बता दूं, मैं लाल वायर का कनेक्शन है वो टर्मिनल आपको 3 दिख रहे होंगे, एक तो दोस्तों ऊपर का, एक बीच का, एक नीचे का दोस्तों। तो इसमें जो कॉमन वायर मानोगे उसका कनेक्शन बीच वाले टर्मिनल में होगा, मतलब इसमें होगा दोस्तों। जो कॉमन वायर मानोगे, कोई सा भी कलर का वायर मांगो दोस्तों, वो कॉमन वायर का कनेक्शन इस जो बीच वाले टर्मिनल है इसमें होगा। और दोस्तों, जो बाकी का 2 वायर बच गए दोस्तों, आपको बता दूं मैं, दोनों वायर का कनेक्शन कैपेसिटर के साथ हो जाएगा। तो कैपेसिटर के साथ दोस्तों लाल वायर को छोड़ के नीले और जो पीला वायर है उसका कनेक्शन हम कर देते हैं दोस्तों, तो वीडियो पर बने रहना। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जो लाल वायर है उसको कॉमन वायर माना था हमने, और दोस्तों जो पीला वायर है उसको साथ कैपेसिटर के एक वायर के साथ कर दिया कनेक्शन उसका, और दूसरा वायर का कनेक्शन दोस्तों कैपेसिटर के साथ कर दिया, मतलब नीले और पीला वायर का कनेक्शन इसके साथ कर दिया। आपको दिख रहा होगा कुछ प्रकार से। और दोस्तों, जो लाल वायर है उसका कनेक्शन बीच वाले पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा इसमें कर लेते हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा जो लाल वायर था उसको कॉमन माना, उसको दोस्तों हमने बीच वाले टर्मिनल है उसमें लगा दिया दोस्तों, बीच वाले टर्मिनल है उसमें हमने कनेक्शन कर दिया। अब दोस्तों, जो दोनों वायर है उनका कनेक्शन हम उनको एक तो ऊपर वाले वायर में, एक नीचे वायर जो नीचे वायर है उसमें करना होगा दोस्तों। और दोस्तों, आपको बता दूँ, जो दोनों लाइट के तार है दोस्तों, इनको भी दोस्तों इनके साथ आप
अपन को जो है वो कनेक्शन करना है दोस्तों। दोनों कैपेसिटर के जो वायर को हमने जॉइंट किया था इसमें ही दोनों वायरों को मिलाना पड़ेगा। फिर दोस्तों एक ऊपर में लग जाएगा, एक नीचे वायर में लग जाएगा, तो इनको भी हम इनके साथ मिला लेते हैं दोस्तों, कनेक्शन कर देते हैं। दोस्तों आपको दिख रहा होगा जो दोनों लाइट के तार थे, एक का तो कनेक्शन दोस्तों हमने कैपेसिटर के साथ पीले वायर के साथ कर दिया, और एक जो दोनों नीले वायर है उनके साथ कर दिया। अब दोस्तों दोनों वायर है, एक को तो दोस्तों ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्शन करेंगे, तो पीला वायर का कनेक्शन इसमें कर लेते हैं ऊपर वाले टर्मिनल में दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहना दोस्तों। आपको दिख रहा होगा जो ऊपर वाला वायर था, ऊपर वाला जो टर्मिनल था उसका कनेक्शन कर दिया दोस्तों हमने। अब दोस्तों जो बाकी का जो वायर बचा है उसका कनेक्शन नीचे वाले पॉइंट में करेंगे, तो वीडियो पर बने रहना दोस्तों। दोस्तों आपको दिख रहा होगा जो नीला वायर का कनेक्शन था डोरी का, दोस्तों एक वायर का कनेक्शन नीचे वाले कर दिया, कॉमन वायर कनेक्शन बीच वाले में कर दिया, और ऊपर वाले में जो कैपेसिटर का कनेक्शन था उसके साथ कर दिया। दोस्तों आप भी घर बैठे ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं, कोई सा भी कॉमन वायर मान सकते हैं, और कॉमन वायर का कनेक्शन हमेशा बीच के बीच का जो टर्मिनल है उसके साथ होगा दोस्तों। और बाकी का जो दोनों वायर है उनको दो लाइट में तार और दो दोस्तों जो कैपेसिटर है उनके साथ मिला के दोस्तों एक ऊपर में कनेक्शन कर देंगे, एक नीचे जो वायर है दोस्तों जो टर्मिनल है उसके साथ कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियो मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेगी।